अब गाड़ी में बैठते ही सबसे अमेजिंग पार्ट जो आपको फील होगा वो है इस गाड़ी के अंदर एम्बिएंट लाइट का। वेलकम बैक टू चैनल गाइस, कैसे आप सब। बहुत बहुत स्वागत है अपने सभी भाइयों का एक और नई और फ्रेश वीडियो के अंदर। तो भाई यहाँ पे लग चुकी है अपनी फ्रॉन्क्स। फ्रॉन्क्स का ये जो वेरिएंट है ना भाई, डेल्टा प्लस वेरिएंट, भाई लेटेस्ट लॉन्चर कहीं ना कहीं कमाल कर रखा है गाड़ी ने। एक गाड़ी यहाँ पे आप देख लो, एक गाड़ी इधर लगी है, अगेन ये जो अपनी डेल्टा प्लस वेरिएंट ही लगी हुई है। साथ ही साथ एक गाड़ी आप यहाँ पे देख लो, ये अपनी जो है सिग्मा मॉडल है, और दो गाड़ी ऑलरेडी होकर के जा चुकी है फ्रॉन्क्स ही कहीं ना कहीं। तो इतनी सारी गाड़ियाँ रहती है और कहीं ना कहीं सभी के अंदर सारा काम कंप्लीट किया जाता है। इस गाड़ी के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन हुई है इस वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाला हूँ। एक एक चीज़ आपको कहीं ना कहीं सारी चीज़ इस वीडियो के अंदर क्लियर आउट करूँगा, तो मेक श्योर आप वीडियो का अंत देखना। अपने भाइयों ने, किशन भाई ने कहीं ना कहीं ये डीआईएल का सेक्शन ऑलरेडी वीडियो के अंदर चेंज करके दिखाया हुआ है। अब ये डेल्टा प्लस है इसके अंदर ऑलरेडी आता है। हेडलाइट का जो पार्ट है ये भी आप लोग चेंज करवा सकते हो, कहीं ना कहीं उसकी वीडियो जो बहुत जल्द अपने चैनल पे अपलोड हो जाएगी। तो फ्रंट से इसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं है। साइड प्रोफाइल से बात करें तो यहाँ पे आप एक पार्ट देख पाओगे, पहले से निकाल लेते हैं चाबी को एक बार, और जैसे ही अपन लोग इसको लॉक करते ना, आप यहाँ पे मिरर देखोगे, इसको ऑटोमेटिक जो मिरर है फोल्ड हो जाते हैं। तो इसकी रिले अपन लोगों ने यहाँ पे इंस्टॉल करी है, जिससे सेफ्टी पार्ट कहीं ना कहीं वो इंक्रीज हो जाता है। जब भी आप अपनी गाड़ी कहीं पार्क करते हो और आप भूल के अपने मिरर को ऑफ करना, तो होता क्या है, रिक्शे वाले बाइक वाले ना आएंगे और उस पर मारेंगे टक्कर, और ये आपका मिरर जो है वेस्ट हो जाएगा, टूट जाएगा पूरा। इसकी सेफ्टी को बरकरार रखने के लिए इसके में जो है रिले इंस्टॉल किया जाता है। तो प्रॉपर इसकी आप वर्किंग देख पाओगे, लॉक अनलॉक पर पूरा काम करता है। डोर वाइजर और इसके अंदर जो है प्रॉपर आप यहाँ पे देख पाओगे, ये भी चीज़ इंस्टॉल हो चुकी है। डैम्पिंग का सेटअप भी यहाँ पे कंप्लीट किया गया था, एक बार आप चेकआउट कर लो, ठीक है। डैम्पिंग यहाँ अगर आप देखते हो तो आपको जो है हैवी हैवी सा फील होता है, और आप यहाँ पे बात करो तो ये आपको लाइट सा फील होगा। तो डैम्पिंग इसके अंदर जो अपनी वाइब्रोटेक की जो डैम्पिंग आती है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी गई थी। तो ये अपनी रियर प्रोफाइल है। एक बार गाड़ी के अंदर चलते अंदर से आपको बताता हूँ क्या क्या मॉडिफिकेशन इसके अंदर फाइनली अभी कंप्लीट करी गई है, क्योंकि अंदर से भी बहुत अच्छी अच्छी मॉडिफिकेशन आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलेगी। पहले यार बैठते गाड़ी के अंदर, अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो अपन लोग गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं। अब गाड़ी में बैठते ही सबसे अमेजिंग पार्ट जो आपको फील होगा वो है इस गाड़ी के अंदर एम्बिएंट लाइट का। तो यहाँ पे जो अपनी एम्बिएंट लाइट इंस्टॉल करी गई है वो K3 वाला है, जिमर ब्रांड का। प्रॉपर आप फील देख रहे हो भाई गाड़ी के अंदर, अलग ही चार चांद जो है कहीं ना कहीं वो लगा देता है। और 10 PC वाला यहाँ पे इंस्टॉल किया गया, तो पैरों के नीचे भी आपको यहाँ पे लाइट का पूरा पार्ट वो जो है मेंशन हो जाता है। पैरों के नीचे भी आपको प्रॉपर लाइटिंग जो है वो मिल जाती है। एज इट इज आप यहाँ भी देख पाओगे, आपको जो है ग्रीन नेस या फिर येलो नेस का जो पार्ट है वो आपको यहाँ पे मेंशन हो जाता है। तो ये अपने आप में काफी अच्छा सेटअप पर्सनली मुझे लगता है। साथ ही साथ जो फिनिशिंग है ना, जो नीट एंड क्लीन जो एक क्लैरिटी है, जो एक विजिबिलिटी आपको मिलती है इस लाइट के अंदर, वो आपको दूसरे फाइबर लेंसेज के अंदर नहीं मिलती है। इसके अंदर प्रॉपर जो है पूरी लेंस के अंदर आपको एक्यूरेट लाइट मिलेगी। जैसी लाइट स्टार्टिंग में है वैसी लाइट सेंटर में होगी, और वैसी लाइट एंड टू एंड जाती है। तो ये अपने आप में काफी अच्छा पार्ट इसके अंदर मुझे लगता है। इसके अलावा बहुत सारी मॉडिफिकेशन और भी है इस गाड़ी के अंदर जो की हुई है। सबसे पहला पार्ट आप यहाँ पे देख पाओगे, अपना स्टीयरिंग जो है वो रैप कर दिया गया है। तो ये भी भाई अपना जो है इंपोर्टेड लेदर के साथ यहाँ पे इसको रैप किया गया है, तो कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आएगी। प्रॉपर जो है आपका काम करता है, प्रॉपर आपकी जो है फिनिशिंग और ग्रिप आपको काफी अच्छी मिलेगी इसके अंदर। नॉर्मली क्या होता है ना कि आप किसी और कपड़े के अंदर लगाओगे तो पसीने से ना आपको फिसलेगा, बट इसके अंदर जहां पे आप पकड़ोगे ना आपका हाथ, वहीं पे रगेड फिनिश के साथ प्रॉपर लॉक हो जाता है। तो काफी सही सी फिनिशिंग आपको इसकी ऑफर की जाने वाली है। उसके बाद यहाँ पे जो अपने इंस्टॉल किया गया है वो है अपने आर्मरेस्ट का पार्ट। तो आर्मरेस्ट तो इसके अंदर इंस्टॉल हुआ ही है, साथ ही साथ इसके अंदर रियर में अपना AC भी चालू किया गया। तो एक बार आपको ऑन करके दिखाते हैं भाई, यहाँ पे अपना जो है ये ऑन हो गया। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे भी आपको जो है विंडोज वो नजर आएगा। पहले एक बार इसको ऑफ कर देता हूँ मैं, यहाँ पे देखो बिल्कुल बंद सा हो गया होगा अब, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा ना, अब देखना यहाँ पे आपको जो है विंडोज वो कहीं ना कहीं फील कर पाओगे, आपको कहीं ना कहीं वॉइस के थ्रू विंडोज भी इसके अंदर आएगा। ये जो अपनी फ्रॉन्क्स का डेल्टा प्लस वेरिएंट के अंदर रियर में भी AC अपना जो है वो ऑन हो चुका है। तो बहुत अच्छा पार्ट है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें इस गाड़ी के अंदर फाइनली कंप्लीट करी गई है। और एक और अच्छा पार्ट इसके अंदर अपना मैट डाला था ना 7D में, ईगल ब्रांड का मैट यहाँ पे इंस्टॉल किया गया था, जिसकी प्रोफाइल इसकी फिनिशिंग ना बहुत नीट एंड क्लीन आती है, और साथ ही साथ बकेट मैट होते हैं, तो काफी आपको अच्छी फिनिशिंग के साथ ये जो मैट है वो ऑफर किए गए। एक चीज जो भैया ने इस गाड़ी के अंदर पहले से करवाए हुए थे वो है इसके सीट कवर, जो कंपनी से भैया ने यहाँ पे कहीं ना कहीं लिया हुआ है। उसके अलावा जो मुझे लगता है इस गाड़ी के अंदर होना चाहिए था वो है इसके डोर ट्रिम पे इंटीरियर। तो बेसिकली सरकारी रिक्वायरमेंट था कि अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, जब थोड़े दिन बाद जब ये गंदी होंगे तो दोबारा कहीं ना कहीं वो अपनी गाड़ी के अंदर सारा काम करवाने वाले। बाकी इस गाड़ी के अंदर म्यूजिक सिस्टम में सारी चीज कंपनी की तरफ से ही लग करके आती है। तो भाई फ्रॉन्क्स का डेल्टा प्लस वेरिएंट एक ऐसा वेरिएंट है जो मुझे लगता है सबसे वैल्यू फॉर मनी है। दो ही वेरिएंट ऐसे जो कि इन्हें आपको चूज करने चाहिए, या तो सिग्मा या तो डेल्टा प्लस, क्योंकि इसका जो जेटा और अल्फा तो मैंने अभी तक रोड पे देखे भी नहीं है। दो ही गाड़ी देख रहा हूँ सबसे ज्यादा, क्योंकि इसके अंदर 1.5 लाख रुपए लगा करके आपको इतनी सारी जो चीजें वो ऑफर करी गई है। लाइक अपने DRL मिल जाता है, हेडलाइट का पार्ट मिल जाता है, साथ ही साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, साथ ही साथ मिरर्स आपको मिल जाते हैं, अलॉय व्हील्स आपको मिल जाते हैं। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट के अंदर भाई और क्या ही चाहिए 1.5 लाख रुपए का ऊपर इन्वेस्ट करते हो। तो मेरे हिसाब से दो गाड़ी बहुत वैल्यू फॉर मनी फ्रॉन्क्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इस गाड़ी के अंदर जो जो मॉडिफिकेशन थी मैंने आपको दिखा दी, अपनी जो है एम्बी लाइट लगी, अपने आर्मरेस्ट लग गया, रियर में अपना AC ऑन हो गया, हेड अपने वो जो है वो भी डल चुके हैं। तो जितनी सारी मॉडिफिकेशन थी इस गाड़ी के अंदर फाइनली कंप्लीट कर दी गई है। एक बार आपका जो भी ओपिनियन है इस गाड़ी को लेकर के प्लीज कमेंट में बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करो भाई, ताकि जितने भाई अपनी वीडियो देख रहे हैं ना
वो भी अपनी गाड़ी में एक अच्छा काम कहीं ना कहीं करवा पाए। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई और फ्रेश वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग सब लोग। हैव अ नाइस डे। अपना ध्यान रखिए। खुश रहिए। जय हिंद। वंदे मातरम।